फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने फाइनेंस से आज़ादी, बर्तरी कैसे मुमकिन है, किस तरह से हम अपने फाइनेंस से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे टोटके, टिप्स, ट्रिक्स इंटरनेट सोशल प्लेटफॉर्म पे देखी होंगी। ये वेबसाइट ओपन करें, ये लिंक यूज़ करें, ये ऐप यूज़ करें, आपको डॉलर मिलेंगे, आप अर्न कर सकते हैं। मैं आज के सेशन में बात करूँगा किस तरह से हम खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, यानी अपने फाइनेंस से आज़ादी कैसे हासिल की जा सकती है। 5 कामयाब शख्सियात की ज़िंदगानी से जानेंगे कि किस तरह से उनके लिए मुमकिन हुआ फाइनेंशियल फ्रीडम, किस तरह से वो टिप्स ट्रिक्स देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से बसर करें, कैसे मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, हे रहे हम माफिया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। एक के बाद एक पावरफुल केस स्टडी, टू द पॉइंट, सादा अल्फाज ने चैनल को टॉप रैंकिंग और अब ट्रेंडिंग में खड़ा कर दिया। इसकी वजह आप सबकी निगाह और प्यार है। सबसे पहले बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप 3 किताबें न्यू टाइम में पब्लिश करते हैं। ड्रास्टिकली प्रॉफिट में चेंज आता है। नंबर 1 किताब द आर्ट ऑफ द डील, नंबर 2 द आर्ट ऑफ द कमबैक, नंबर 3 ट्रंप नेवर गिव अप। इन 3 किताबों से एक कोट मैंने हेडलाइन किया है जो कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आज फिर शेयर करूंगा। यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन योर लाइफ बट नेवर लेट योर सेल्फ बी डिफीटेड। यानी जिंदगी में आपको बहुत सी शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा लेकिन खुद को कभी शिकस्त ना होने दें। इस कोट में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम यानी अपने लॉस, अपने शिकस्त से बर्तरी हासिल करते हैं, कम बैक किस तरह से करते हैं, इसको थोड़ा सा गहराई में जानते हैं। नंबर 2, कमर जावेद बाजवा, किस तरह से इनको मोस्ट पावरफुल पीपल के नाम से जाना जाता है, ना सिर्फ आर्मी बल्कि पूरी दुनिया को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने माइंड पे काबू रखते हैं, इनके लिए कैसे मुमकिन होता है। पाक इंडो रिलेशन में एक खसूसी इंटरव्यू में आर्मी के साथ बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं, एक कोट शेयर करते हैं जो कि मैं आज के सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। इट इज़ टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, यानी ये माजी को दफन करने और आगे बढ़ने का वक्त है। किस तरह से कमर जावेद बाजवा अपने माजी को दफन करते हैं, यानी अपने लॉस, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरह से दफना के आगे मजीद बढ़ते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, आज़ादी को, खुशहाली को, किस तरह से। नंबर 3, अब मैं बात करूंगा उस शख्स की जिनको लॉयर, अमेरिकन पॉलिटिशियन और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बराक ओबामा। किस तरह से बराक ओबामा फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफाइन करते हैं, इनकी 3 बेस्ट सेलर न्यूयॉर्क टाइम की किताबें, इन किताबों में इन्होंने बयान कर दिया कि किस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया और आखिर क्या पैगाम देते हैं। इन 3 किताबों से एक कोट मैंने हेडलाइन किया जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इनकी किताबों के बारे में बात करता हूं कि इनकी किताबें कौन सी। नंबर 1, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, 1995 में यह किताब इन्होंने तहरीर की। नंबर 2, द एडसिटी ऑफ होप, 2006 में इस किताब को तहरीर किया, जिस किताब के बाद ड्रास्टिकली उम्मीद में चेंज आई, यानी उम्मीद इन्होंने प्रोवाइड की, किस तरह से प्रोवाइड की। नंबर 3, लास्ट बट नॉट लीस्ट इनकी किताब, इस किताब के बाद अ प्रॉमिस्ड लैंड जिसका नाम है, अभी रिसेंटली 2020 में इन्होंने तहरीर की। इस किताब के बाद इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफाइन मुकम्मल तौर से कर दिया। किस तरह से कर दिया, इनका एक कोट, चेंज विल नॉट कम इफ वी वेट फॉर सम अदर पर्सन और सम अदर टाइम, वी आर द वंस दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, वी आर द चेंज दैट वी सीक। यानी तब्दीली नहीं आएगी अगर हम किसी और शख्स या किसी और वक्त का इंतजार करेंगे, हम वही हैं जिसका हम इंतजार करते हैं, हम वही हैं जिसकी हमें तलाश होती है। इस कोट में ये तलाश वक्त की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को तलाशें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। नंबर 4, कामयाब शख्सियात की बात करूंगा, महात्मा गांधी, किस तरह से डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को, किस तरह से खुशहाली से जिंदगी बसर करने के राज को बयान करते हैं। बापू के नाम से इनको जाना जाता था, ये तो हम सब जानते हैं। इनका कोट जो ये अपनी स्पीचेस में, बहुत सारी स्पीचेस में शेयर कर चुके हैं, उस कोट के बारे में बात करूंगा। एक नंबर 1 कोट, एक ही कोट में आपके साथ शेयर करूंगा, वो कोट है, बी द चेंज दैट यू विश टू सीक इन द वर्ल्ड, यानी वो तब्दीली बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। किस तरह से महात्मा गांधी फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफाइन करते हैं, यानी तब्दीली को डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कामयाब शख्स की बात करूंगा, जी हां, कामयाब से भी ज्यादा कामयाब, क्यों, उनका आईक्यू लेवल 225 से 250 तक का है, आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं। आइंस्टाइन जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने हमें इन्वेंशन दी है, आइंस्टाइन रेफ्रिजरेटर, हीट पंप,
और बहुत सारी डिस्कवरी इन्होंने हमारे सामने पेश किया। किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को डिफाइन करते हैं, अगर मैं 5 कामयाब शख्सियात के कोट से, उनकी गुफ्तगू से, उनके पैगाम से नचोड़ निकालूं तो क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो हमारे सामने एक ही टाइटल आता है, वो ये है कि डिस्कवर योर इनर पैशन। इस बारे में पूरी वीडियो है मेरी जो आप वॉच कर सकते हैं, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अगर आज फिर मैं इसको शॉर्ट में बयान करूं तो यही है कि हमारा खुद को तलाशना, किस तरह से हम खुद को तलाश सकते हैं, बहुत सिंपल है, एक ही स्टेप है कि हमारा वो काम करना जो हमें पसंद है, हमारा वो काम करना कि जो काम हमें खुद कहे कि मुझे ये करना है, काम हमसे खुद काम करवाए और काम हमारे खुद गोल टारगेट फिक्स करे, सेट करे। इस तरह से बआसानी हम अपने पैशन को डिस्कवर करके फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, खुशहाली को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा, लीडरशिप स्किल के बारे में बात करूंगा, किस तरह से एक मिडिल क्लास लीडर का सफर करता है, कैसे मुमकिन होता है। जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।